की दिशा में आज एक बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज से सीनियर सिटीजन्स को बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। इस वक्त हम दिल्ली के तिलक नगर में मौजूद हैं और आप देखिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। अस्पतालों में तो आपको ये बूस्टर डोज मिल ही रही है, साथ ही साथ जो बड़े बड़े क्लिनिक्स हैं या फिर एक्सरे सेंटर्स हैं वहाँ पर भी इस तरह की जो वैन्स हैं, चूँकि ये सीनियर सिटीजन्स का मामला है, ऐसे में बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए घर तक जो है वो वैक्सीनेशन की डोज पहुंचाई जा रही है। ये तीसरी डोज तभी लगेगी जब दूसरी डोज के बाद आपको 90 दिन का समय हो जाएगा। और इस वक्त आप देखिए एक नर्स हमारे साथ चल रही हैं और गाड़ी के अंदर ही बुज़ुर्ग को जो वैक्सीन है तीसरी बूस्टर डोज वो लगाई जा रही है, यानी पूरी एहतियात जो है वो बरती जा रही है। और किस तरीके से यहाँ पर जो है वैक्सीन यहाँ पे लगाई जा रही है, यहाँ पे आप देखिए कि जो बुज़ुर्ग हैं वो गाड़ी में ही बैठे हैं और पूरी प्रिकॉशन के साथ यहाँ पे वैक्सीन लगाई जाएगी। थोड़ी दिक्कतें इस मामले में ज़रूर आ रही हैं, क्योंकि वो लोग जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको तवज्जो दी जा रही है, और इसी वजह से कोविन ऐप पर जो रजिस्ट्रेशन है वो भी लोगों को कम मिल रहा है। लेकिन पूरी एहतियात के साथ यहाँ पर जो डोज है तीसरी डोज वो लगाई जा रही है। सबसे अहम बात ये भी है कि अगर आपको पहली दो डोज कोविशील्ड की लगी है तो तीसरी डोज भी कोविशील्ड की ही लगेगी, और अगर दो डोज कोवैक्सीन की लगी है तो तीसरी डोज कोवैक्सीन की ही लगेगी। हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। सर, आपको स्लॉट बुक करने में कोई दिक्कत आई? और ये भी कहा जा रहा है कि जिसको कोई कोमॉर्बिडिटी है यानी कोई गंभीर बीमारी है उसी को ये डोज लगानी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, 60 प्लस के लिए खुल गई है, तो पहले दो डोज लगी हुई हैं और अभी नॉर्मल वे में कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। प्रिकॉशनरी डोज लगा रहे हैं, आप लोगों को भी क्या कहना चाहेंगे? नहीं, डोज लेनी चाहिए। अब जिस तरह से कोरोना दोबारा फैल रहा है तो मैं तो ये कहूँगा कि सबको प्रिकॉशन लेना चाहिए और मास्क जरूर लगाना चाहिए। डोज के साथ प्रिकॉशन लगाना चाहिए। इस वक्त समीर भाटी भी हमारे साथ मौजूद हैं, सेंटर के हेड। सर, प्रिकॉशनरी डोज है ये कहा जा रहा है, जिसको कोई गंभीर समस्या है उसी को ये डोज लगानी चाहिए? बिल्कुल, देखिए जिनकी 60 साल से ज़्यादा उम्र है, हेल्थलाइन और फ्रंटलाइन वर्कर के अलावा, और उनको कोई बीमारी है तो वो आके अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा हम यही कह रहे हैं कि स्पेसिफिकली उनके लिए जो है किसी भी उनके अंदर एंटीबॉडीज़ का लेवल भी काफ़ी कम होता हुआ देखा गया है, स्पेसिफिकली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है तो उन्हीं के लिए। लोगों को रजिस्ट्रेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि इस वक्त फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की वजह से लोड बहुत बढ़ गया। हाँ, देखिए क्योंकि वो संख्या काफ़ी ज़्यादा, अगर हम हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स की भी बात करें, पर आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उतना ज़्यादा अभी हम जब बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली अडल्ट के जो वैक्सीनेशन सेंटर में, उतना ज़्यादा अभी भीड़ नहीं है, ये 2-4 दिन के अंदर मुझे लगता है कम हो जाएगा। तो साफ है कि जिस तरीके से कोविड के केसेस लगातार पूरे देश में और देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरीके से इससे लड़ सकते हैं और मजबूती से इसके सामने खड़ सकते हैं। और ऐसे में कोविड टीकाकरण के मद्देनज़र आज का दिन बेहद अहम नज़र आ रहा है। कैमरामैन अविनाश कुमार के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24।